सो वेलकम टू तरुण आईस, माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 7 अक्टूबर 2022 की समसामयिक घटनाओं के बारे में जो आपकी एग्जाम से संबंधित है। आज जो है, जो सबसे प्रमुख जो है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि जैसा कि हम लोग डेली 5 जो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की जो समसामयिक घटना होती है हम आपके सामने लेकर आते हैं, और वही जो होता है जो आपके प्रीलिम्स से संबंधित, ताकि आपके प्रीलिम्स का एग्जाम जो है बहुत ही बेहतर हो। तो इसके लिए तो चलते हैं, आज डिस्कस करते हैं पूरी तरीके से। आज मैं आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाया, परंतु हम इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम आपके करंट अफेयर को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं वो है आपका निवेशक दीदी। नाम से ही पता चल रहा है भाई, निवेशक दीदी अर्थात निवेश करने की बात की जा रही है। आप सबको पता होगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निवेशक दीदी योजना चलाया था, और उस निवेशक दीदी योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में इस योजना की पहल की शुरुआत की थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आखिर ये न्यूज़ में आजकल चर्चा में है, इसका पीछे कारण है कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग अर्थात हमारा जो इंडियन जो हमारा पोस्ट है, या आप कह सकते हैं कि पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, उसने पहली बार भारत का पहला अस्थाई वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। वित्तीय साक्षरता शिविर की बात की जा रही, वित्तीय साक्षरता शिविर का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से हम लोग डेली बेसिस पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के बैंकों में, कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, तो जब तक निवेश से संबंधित कोई जानकारी ना हो तो मुझे लगता है निवेश करना मूर्खता है, क्योंकि कभी भी वो निवेश जो है आपका बी निवेश में कन्वर्ट हो सकता है, या कर सकते हैं कि आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो भारतीय डाक भुगतान विभाग जो है, भारतीय डाक भुगतान बैंक जो है, भारत का पहला अस्थायी वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सबसे इसकी प्रमुख बिंदु की अगर हम चर्चा करें, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये कॉर्पोरेट मामले का सबसे पहले ये प्रश्न आपका इससे पूछेगा कि भाई ये जो है किसके मंत्रालय के तहत आता है, तो कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय के तहत आएगा, क्योंकि भाई निवेश से संबंधित है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित बात की जा रही है ना। तो इसके तत्वाधान के अनुसार निवेश की शिक्षा होना जरूरी है, एक संरक्षण निधि की जरूरत होनी चाहिए। भारतीय डाक भुगतान बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, और ये कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय के तहत ये आता है, जिसका मेन मकसद है, मेन उद्देश्य है, मेन एम्बिशन है, एम है कि महिलाओं द्वारा, महिलाओं के लिए उसकी अवधारणाओं के अनुसार वित्तीय समावेश को बढ़ाया जाए, देश के अंदर में जो इन्वेस्टर सिर्फ पुरुष ना हो, महिलाएं भी हो, महिलाएं भी आगे बढ़कर हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे, क्योंकि महिलाएं ऑलरेडी योगदान दे चुकी है। आप अगर तुलना गणना करेंगे तो महिलाओं का भी रेट दिन पर दिन बहुत ज़्यादा है, परंतु फिर भी वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं द्वारा, महिलाओं के लिए इस उद्देश्य से निवेशक दीदी की का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर यह चर्चा है कि अवधारणा महिलाओं के लिए, महिलाओं पर आधारित होगा। प्रसिद्ध आपको पता होगा कि जैसा कि हमने आपको कहा कि डल झील, आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी, भारत का पहला जो अस्थाई वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन जो किया गया है वो इसके द्वारा, लेकिन ये जम्मू कश्मीर वाले रीजन, श्रीनगर जम्मू कश्मीर का जो डल झील है, डल झील का नाम आपने सुना होगा है ना, तो उस डल, प्रसिद्ध डल झील श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश है, उसके आसपास इसका आयोजन किया जा रहा है। और एक बात, सबसे बड़ी बात ये लो कि एक चीज़ आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि भाई डल झील कहाँ है, तो इससे भी चीज़ें आप समझ सकते हैं। दूसरा सबसे अहम और सबसे अगर आप देखेंगे जो प्रमुख है, सबसे प्रमुख न्यूज़ है वो है दोषी विधायकों की अयोग्यता। अब दोषी विधायक, आपको पता होगा एक सर्वे आया था, उस सर्वे के तहत ये देखा था कि जो भारत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपका एमपी हुआ, एमएलए हुए आपके राज्यों के अंदर में, इन पर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेज हैं, बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेज हैं। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा खबर में इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में दो विधायक हैं, और इन दोनों विधायकों पर आपराधिक आरोप के दोषी ठहराया गया, उनमें केवल एक को अयोग्य घोषित किया जाए। अब भाई ये बताइए, दो विधायकों को आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया, लेकिन उनमें से एक को अयोग्य घोषित किया गया है, तो इसको लेकर ये मामला जो है सामने आया है। सबसे पहले इसकी प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे
प्रमुख बिंदु यहाँ पर ये है कि आप सबको पता होगा कि जो RPA है, रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट्री जो एक्ट होता है, उसकी धारा 8 में कहा गया है कि अगर आपकी राजनीति को अपराध से मुक्त करने के उद्देश्य से इस प्रावधान का प्रयोग किया गया है, मतलब कह सकते हैं कि भाई इसके लिए बनाया गया था जो RPA है आपका, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट जो एक्ट 1951 के धारा 8 में कहा गया है कि भाई कोशिश रहना चाहिए कि जिस देश का जो प्रतिनिधित्व करने वाले, जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाला अगर व्यक्ति ही के ऊपर अगर आपराधिक मामला हो, तो वो व्यक्ति उस राष्ट्र का, उस क्षेत्र का कैसे प्रेजेंट कर सकता है, कैसे प्रतिनिधित्व कर सकता है उसका, तो ये बड़ा समस्या वाली बातें हैं। तो इसके लिए कहा गया था, एक्ट बनाया गया था RPA 1951 के धारा 8 में कहा कि उसको मुक्त करो। आपराधिक मामले में दो श्रेणियां की बात होती है, एक तो दोष सिद्धि और एक अयोग्यता। दोष सिद्धि पर अयोग्यता को आकर्षित करती है, और दोष सिद्धि में पहली श्रेणी जो है 6 साल तक अयोग्यता की बात करता है कि अगर आपको, तो आपराधिक मामले में दो श्रेणियां हैं जो दोष सिद्धि पर अयोग्यता को आकर्षित करता है। दोष सिद्धि की पहली श्रेणी जो में 6 साल की अयोग्यता शामिल है, अर्थात कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी व्यक्ति अगर कोई राज्यसभा या लोकसभा या फिर आप कह सकते हैं कि अपने विधानसभा में अगर वो प्रतिनिधित्व कर रहा है किसी भी क्षेत्र से, विधायिका क्षेत्र से, अगर उस पर दोष किसी कारणवश से वो दोषी है, तो ऐसे संदर्भ में उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा मानना है। ऐसा जो कौन कहता है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कहता है हमारा, उसके तहत। अब इसी के संदर्भ में हम इन चीजों पर बात करेंगे। अब इसमें आप ये समझेंगे कि प्रमुख जो IPC का अपराध भी इसमें शामिल है। जैसे क्या है कि आपने क्या किया कि आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, आप अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, आप अपने भाषण के माध्यम से अपने भाषण लोगों को आकर्षित करने के लिए आपने ऐसे भाषण का प्रयोग किया, ऐसे भड़काऊ भाषण का प्रयोग किया जिससे समाज में, राष्ट्र में, या आप कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में शत्रुता को फैलाता है। मतलब आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप शत्रुता को फैलाएंगे। तो हमारा धारा 153 का ये कहता है कि पूजा स्थलों पर ऐसा करना 503 में ये IPC के अपराध में शामिल माना जाता है कि आप जो हैं शत्रुता फैलाने वाले भाषण का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि आप प्रतिनिधि हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपने अपने ही क्षेत्र में अपने लोगों से रिश्वतखोरी किया, आपने प्रतिरूपण किया, आप अन्य चुनावी अपराध या बलात्कार जैसी ऐसी बहुत सारी घटना और धारणा का आपने बढ़ावा दिया, तो भी आप IPC के अपराध में शामिल किए जाएंगे। जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नागरिक अधिकारों का संरक्षण, सीमा शुल्क अधिनियम UP आदि जैसे विशेष कानूनों के गंभीर प्रावधान है ना, जैसे सती प्रथा हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, आतंकवाद हुआ, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के अपमान का रोकथाम हुआ, इन सभी जैसी गतिविधियों का अगर बढ़ावा देते हैं तो IPC के अपराध में शामिल होता है और आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, या फिर आपको उस पद से बर्खास्त किया जा सकता है, आप प्रतिनिधित्व करने योग्य व्यक्ति नहीं हैं। तो इस तरीके के कानून हमारे संविधान की रिप्रेजेंटेटिव और पार्लियामेंट एक्ट के तहत आपको दिए गए हैं। दूसरी बात इसके अंदर में ये भी देखा गया है कि कानूनी अगर हम सुरक्षा की बात करें तो RPCM विधायक के धारा 8(4) में 2013 तक ये तत्काल अयोग्यता से बच सकती थी। संसदों और राज्य विधायकों के संबंध में ये प्रावधान में कहा गया है कि अयोग्यता 3 महीने तक प्रभावी नहीं होगी। यदि उस अवधि के भीतर विधायक अपील दायर करता है, अर्थात PIL डालता है ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में, और अपील का निपटारा तक वो दोषी सिद्ध नहीं होता है, तब ये कानूनी सुरक्षा दिया गया है कि तब आपकी अयोग्यता सिद्ध नहीं की जाएगी, या फिर आप रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप बने रहेंगे। या फिर ऐसी केस में एक केस था जिसका नाम था लिली थॉमस बनाम भारत संघ के बीच में ये केस था और ये सुप्रीम कोर्ट में चला था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के खंड 4 ने इसको असंवैधानिक घोषित किया था, आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। इस प्रकार के संसदों द्वारा ये सुरक्षा को हटा दिया गया था। तो ऐसे कानूनी सुरक्षा इस मामले में भी दिए गए है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात प्रश्न इसमें यह आता है कि क्या अयोग्यता को हटाया जा सकता है,
क्या योग्यता को हटाया जा सकता है क्या? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास न केवल सजा पर रोक लगाने की शक्ति है, बल्कि किसी व्यक्ति को सजा पर भी रोक लगा सकता है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास तो है। कुछ दुर्लभ मामले में अपीलकर्ताओं को चुनाव लड़ने में सक्षम बनाने के लिए दोषी सिद्ध पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ साफ कह दिया कि भाई इस तरह के जो स्टेटमेंट हो या इस तरीके के जो स्टेट बेहद दुर्लभ और विशेष कारणों से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी को अयोग्यता से हटाया जा सकता है। अगर मामला है तो उस पर काम किया जाएगा। तो ये बात इससे संबंधित थी। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज का न्यूज़ है वो आपका संशोधन को लेकर। आप सभी को पता होगा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 368 जो कहता है कि हमारे संविधान में इसका संशोधन होगा। मतलब तात्पर्य ये हुआ कि अगर समय के रूपरेखा के अनुसार से, समय को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि समय बलवान होता है, समय हमेशा बदलता रहता है, 1951 का संविधान कुछ और था, आज के लोग और हैं, तो ऐसी स्थिति में समय के अनुसार तो बदलाव अति आवश्यक है। अब जैसे मान लिया कि EWS जैसा की बात करते हैं या रिजर्वेशन जैसी स्थिति समय के अनुसार मांग थी, ऐसा दिया गया, तो टाइम टू टाइम संविधान को ताकत दिया गया। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को संविधान जो है एक आर्टिकल ताकत देता है आर्टिकल 368 के तहत कि आप टाइम टू टाइम संविधान में संशोधन कर सकते हो। संशोधन का मतलब होता है कि समथिंग यू हैव टू ऐड, आप कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं या उसमें से जो इररिलेवेंट है सोसाइटी, समाज, देश के लिए उसको आप निकाल सकते हैं। संशोधन का मतलब ये है। तो हाल फिलहाल का खबर क्या है भाई? तो हाल फिलहाल का खबर ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा, जो सुप्रीम कोर्ट है, भारतीय संविधान में पहले संशोधन द्वारा किए गए वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको हम राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकारों के प्रतिबंधों के विस्तार के लिए एक चुनौती की जाँच करने के लिए सहमति जाहिर किया। अब किसी ने इस बात की चुनौती दी है कि जो पहला संशोधन हुआ है और उस संशोधन में जो आपको जो संशोधन के अंदर में जो अभिव्यक्ति है, वाक्य और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर चैलेंज किया गया, उस पर पेटीशन डाला गया और उस पेटीशन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करना चाहता है। और ये पेटीशन जो है पहला संशोधन से संबंधित था, जब भारत देश 1951-52 के दौरान में पहला संशोधन हुआ था, जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इस पर एक प्रश्न भी पूछा गया था कि पहला संशोधन कब आया था, है ना? अब क्या है इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। संवैधानिक स्थिति को देखा जाए तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 के 1 में यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। संविधान के भाग जो है आपके अनुच्छेद 19 के 1 में कहता है कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति देता है। ये कहता है हमारा पहला 19 के 1। आप आर्टिकल, आपको पता होगा सर कि हमारा संविधान कितने पर, हमारा जो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के, शुरुआती में 7 प्रकार का हुआ करता था, लेकिन अब कितने हैं? 6 प्रकार के। राइट टू प्रॉपर्टी को संविधान के मौलिक अधिकार से हटाकर उसको लीगल राइट्स, या आप कह सकते हैं कि उसे आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया गया और उसको आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को, और कहा गया कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट फंडामेंटल राइट, आपको संपत्ति रखने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो सकता है, लीगल राइट्स हो सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। इसके लेकर काफी मुद्दे भी चले हैं। तो उसी प्रकार से जो है राइट टू फ्रीडम के अंदर में आर्टिकल 19 कहता है, अनुच्छेद 19 कहता है कि आपको आपको भाषण देने की स्वतंत्रता है, आपको अभिव्यक्ति है ना? लेकिन यही पर अनुच्छेद 19 के 2 कहता है कि इसके प्रतिबंध से संबंधित बात करता है कि आपको भाषण देने की अभिव्यक्ति, इसका मतलब क्या, किसी को गाली थोड़ी देंगे, आप किसी की भावना के साथ ठेस पहुंचाएंगे, आप किसी संप्रदाय के खिलाफ बात करेंगे, आप किसी भी अभिव्यक्ति का मतलब ये तो नहीं ना। तो इसके लिए कहा, अगर राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, आप मान लिया कि किसी पड़ोसी मुल्क के देश के साथ हमारा एक मित्रता भाव संबंध है और आपने उस पड़ोसी मुल्क के आप ऐसे आवाज उठाए, ऐसी भाषण अभिव्यक्ति की राष्ट्र की सुरक्षा के हित के बाहर है, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो अभिव्यक्ति है उसको छीन ली जाती है। तो अनुच्छेद 19 के 2 यही बात करता है। इसमें से कहता है कि परिणामी परिवर्तन के लिए भूमि सुधार की जांच छूट से संबंधित और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा के लिए भी आपको इसमें बात की गई है। पहला जो है उचित सम्मिलित किया गया, दूसरा विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे,
है ना। चलिए सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला था इस पर हम चर्चा करते हैं। कहानी उस समय की है कि एक रोमेश थापड़ मामला आता है, रोमेश थापड़ प्लस मद्रास उच्च न्यायालय, उन दोनों का मामला चल रहा था। तो वहीं पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निर्णय लिया गया। याचिकाकर्ता जो था, पिटिशनर जो थे, वो मद्रास के सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिनियम 1949 को असंवैधानिक बता दिया कि भाई मद्रास की जो सार्वजनिक व्यवस्था है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने वाला जो कानून है, उसको कहा कि भाई असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको मान्यता ही नहीं देना चाहिए। तो सरकार इस बात से तर्क दिया कि भाई साहब राज्य की सुरक्षा को कमजोर करना उचित प्रतिबंध के दायरे में अच्छी तरह से हो सकता है। सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था ये राज्य की जिम्मेवारी है, और आप अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से अगर राज्य की सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था अगर भंग होता है तो ये अभिव्यक्ति जायज है। ये तर्क दिया सरकार ने, तर्क दिया। अदालत ने प्रावधान के लिए असंवैधानिक करार दिया, अदालत भी इसी प्रावधान से उसको क्या मान लिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया, है ना। तो इसी सब मुद्दे को लेकर इसके अंदर में बात की गई है पहला संशोधन के अंदर में। इसे प्रश्न बन सकता है आपका, इस पर चर्चा आप डिटेल से कर सकते हैं। चौथा जो सबसे प्रमुख है आपका, भारतीय ब्लैक हनी बी। ब्लैक हनी बी आप मधुमक्खी तो जानते हैं, आपने गाने भी सुना होगा बहुत सारा। तो खबरों में ये है कि हमारा जो पश्चिमी घाट है, जिसको वेस्टर्न घाट कहते हैं, वेस्टर्न घाट की जो स्थानीय मधुमक्खी की एक नई प्रजाति का खोज हुआ है। एक प्रजाति देखा गया, वो प्रजाति है, नई प्रजाति है, उसकी खोज की गई। नई प्रजाति का नाम है एपिस कारिजोडियन, एपिस कारिजोडियम इसको रखा गया है आपका, याद रखिएगा। एपिस कारिजोडियन जो है ये क्या है भाई, तो भारतीय ब्लैक हनी बी का एक प्रजाति है। ये प्रश्न कई बार इस तरीके से यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, इसको ध्यान देने वाली बातें हैं, है ना। तो इसकी प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। प्रमुख बिंदु ये है कि एंटोमोन के सितंबर अंक के प्रकाशित किए गए में ये कहा गया कि जो कीट विज्ञान की उन्नति के लिए एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक सहकर्मी की समक्षा में पत्रिका में दिया गया कि 200 वर्ष के अंतराल के बाद पश्चिमी घाट में मधुमक्खियों की एक नई प्रजाति दी गई। 200 साल बाद एक नई प्रजाति देखने को मिला है, और ये भारत में वर्णित अंतिम मधुमक्खी 1978 1998 के फेब्रियस द्वारा ये एपिस इंडिका नामक, एपिस इंडिका नाम इसका दिया गया। और ये जो एपिस कारिजोडियन है आपका, कारिजोडियन जो एपिस है, ये सिरेना और मोफोटाइपस के से विकसित हुआ है, मतलब पहले जो प्रजाति है उसी प्रजाति से विकसित हुआ है, और आजकल पश्चिमी घाट के गर्म और आर्द्र वातावरण के अनुकूल इसको देखा गया है वहां। तो इस प्रजाति को उस एरिया के आसपास में देखा गया है ना। वितरण में अगर हम बात करें तो जो एपिस कारिजोडियन, ये जो पर्वतमाला का एक वितरण मध्य पश्चिमी घाट और नीलगिरी से लेकर गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु राज्यों को कवर करते हुए दक्षिणी पश्चिमी घाट तक ये फैला हुआ है। तो इस पर भी आपका प्रश्न बन सकता है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है, काली स्याही। आपने सुना होगा, देखा होगा कि भाई काली स्याही क्या है। आपने देखा, आप हम लोग जिस लेखनी से लिखते हैं, है ना, जिस दवात से लिखने की प्रचलन था, तो दवात में जो कालीमा होता था, जो कालिक होता था, जो इंक होता था, जो स्याही होता था, वो किस तरीके से बनाए जाते थे, एक परंपरा के द्वारा उसको निर्मित किया जाता। तो आजकल इस खबरों में बना हुआ है ये स्याही। पुरानी परंपरा को जीवित रखते हुए काली स्याही के निर्माता दिवाली के त्यौहार के दौरान स्याही तैयार करते थे। स्याही का मतलब आपने देखा होगा कि माँ अपने बच्चों को आंखों में काजल लगाती, और वो काजल कैसे तैयार होता है, वो तैयार होता है दीपक से, घी और दीपक। आपने देखा दीपक, घी के दीपक जलाए जाते हैं, और उस दीपक से जो निकलने वाली जो कालिमा होती है, उस कालिमा को घी के साथ मिलाकर, तरह तरह के औषधिपूर्ण चीज़ों से मिलाकर काजल निर्माण किया जाता है। वैसे ही उसी कालिमा को, उसी काली स्याही को स्याही का भी निर्माण किया जाता है। और ये परंपरा की शुरुआत जो है 250 साल पहले जो है कछवाहा शासक के शासनकाल में ये परंपरा थी। इसी परंपरा को आज भी इसको जीवित किया जा रहा है। इसका उपयोग जो है रॉयल फॉरमैन लिखने के लिए किया जाता था, और व्यवसायी इसका उपयोग लेजर लिखने के लिए करते थे। तो आज भी इस परंपरा को जीवित करने वाले जो व्यक्ति हैं, आप देख सकते हैं उस व्यक्ति के द्वारा इनको जीवित किया। ये है आपका व्यक्ति जो है, आप देख सकते हैं इन्होंने काली स्याही को तैयार करने की विधि आज भी इन्होंने जिंदा करके रखा है। तो इसी से संबंधित, तो ऐसा इससे प्रमुख बिंदुओं पर अगर बात करें तो माना जाता है कि जो स्याही समृद्धि लाती है, बुराइयों को दूर करती है, अपने उपयोगकर्ताओं के लिए समृद्धि लाती है
है ना। साथ साथ में यो कहा, इन्होंने ये भी कहा कि स्याही प्राकृतिक सामग्री जैसे काजल हुआ, गोंद का उपयोग करके बनाई जाती है और मंत्रों को जाप करते समय तैयार किया जाता है। माना जाता है कि स्याही में औषधि गुण होते हैं क्योंकि इसके कुछ अवयव का उपयोग पारंपरिक आयुर्वेदिक प्रणाली में घावों के उपचार के लिए। आप देखा होगा महिलाएं जो है ना काजल लगाती हैं, काजल लगाने के बाद सुंदरता और भी, कालिख जो है, कालिख को कालिख न माने, एक सौंदर्य का प्रतीक भी है ना। एक आप कह सकते हैं कि सौंदर्य के साथ साथ आंखों में सुरमा का जो प्रयोग करते हैं जो आंखों के साथ के लिए, वो भी कालिमा से ही बनता है, औषधि पूर्ण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस परंपरा को आज भी जीवित किया जा रहा है इनके द्वारा, तो ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये पांच जो था सबसे महत्वपूर्ण समसामयिक घटना था जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में अगर कोई भी सुझाव हो, ऐसा लगता है कि हमें सुझाव देने की आवश्यकता है तो कमेंट्स के जरिए आप हमें सुझाव दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। थैंक यू।